विदेशी धरती दुबई में एमएमए वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब की बेल्ट जीतने वाला भारत के खिलाड़ी अंगद बिष्ट का रुद्रप्रयाग पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि दुबई में भारत की ओर से मिस्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए चैंपियनशिप के लिए गए जनपद रुद्रप्रयाग के अंगद बिष्ट ने शिप का खिताब जीत कर देश के साथ उत्तराखंड और रुद्रप्रयाग जिले का नाम रोशन किया है। चमोली जिले के दिगंबर रावत ने कहा कि मुझे अंगद बिष्ट के द्वारा ट्रेनिंग दी गई और मुझे भी विदेश धरती पर सीखने का अवसर मिला। आगे हम और भी खिताब जीतने के लिए मेहनत करेंगे। रुद्रप्रयाग से सतपाल नेगी की रिपोर्ट। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और विजन बस ये अभी बस शुरू किया है। सो अभी काफ़ी आगे जाना बाकी है। सो अभी जस्ट शुरुआत है, सो देखते हैं आगे। देखो सच बताऊँ तो मैं अपने के लिए कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अब मैं टॉप पे आ चुका हूँ, मेरे पास बेल्ट है अब। पर दिगंबर जैसे लोग और भी हैं हमारे पास और पूरे उत्तराखंड में ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण कर नहीं पाते हैं वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है ऐसे बच्चों के सपोर्ट करे। और मैं अपने स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एमएमए की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी वो लड़की मनीषा थी वो वॉक रेस में नंबर वन पे आई है और ऐसे बहुत से बच्चे हैं हमारे उत्तराखंड में जो स्पोर्ट्स में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो जितने भी मिनिस्टर हैं विधायक हैं मैं सबको यही गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे बच्चों की सपोर्ट करें। रुद्रप्रयागवासी दिवाली की तरह मना रहे आज का दिन क्योंकि छोटा भाई अंगद बहुत विदेश से नाम कमा कर आया है और फाइट जीत कर आया और बेल्ट भी लेकर आया है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी अब उनसे और ज़्यादा हो गई हैं, जिस तरह से वो खुद ही कह रहे थे कि अब उम्मीदों के बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पे खरा भी उतरना है और वो बेल्ट लगातार अपने पास रखनी है। हम भगवान बद्री केदार से कामना करते हैं कि ये बेल्ट हमारे छोटे भाई अंगद के पास रहे और वो और मेहनत कर और बच्चों को भी जो आगे लाने का प्रयास कर रहे हो अपने इस प्रयास में लगातार सफल रहे। और जिस तरह से वो बहुत अपना अपना जो स्पोर्ट्स उनका वो तो खेल ही रहे।